हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नमक का पोछा लगाने से क्या होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कभी भी गुरुवार के दिन भूलकर भी पोछा ना लगाएं। गुरुवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और इस दिन पूरे विधि विधान से नारायण की पूजा और उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ कामों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। गुरुवार के दिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां गुरु ग्रह को कमज़ोर बना सकती है, तो आप एक इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कभी भी आप पोछा ना लगाएं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमज़ोर हो जाता है, साथ ही रुपये पैसों से संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन भूल कर भी पैसों का लेन देन ना करें। न तो किसी से उधार पैसा लेना चाहिए और न ही किसी को उधार पैसा देना चाहिए। गुरुवार के दिन कर्ज लेने और कर्ज देने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जिससे पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, गुरुवार के दिन जो पुरुष हैं उनको दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, महिलाओं को भी बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो भी घर में आपके कूड़ा कबाड़ होता है उसको गुरुवार के दिन नहीं बेचना चाहिए। अगर आप इसे गुरुवार के दिन बेचते हैं तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करें। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में रुकावट आ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। पेड़ की जड़ में घी के दीपक को जलाएं, चने और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं गुरुवार के दिन। ऐसा करने से आपका जो गुरु ग्रह कमज़ोर है वो मजबूत बनेगा, साथ ही आपके जीवन में चल रही दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ नमक का पोछा लगाने से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। नमक का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि किसी दिन खाने में नमक कम पड़ जाए तो उसका स्वाद फीका सा लगने लगता है। हमारे खाने में जिस प्रकार नमक का खास महत्व है, ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में नमक के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और इसका महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है नमक के पानी का पोछा लगाना। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की साफ सफाई करते समय यदि पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाया जाए तो घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा, बुरी ऊर्जा दूर भाग जाती है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार के लोगों की परेशानियां दूर होने लगती है। लेकिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र में नमक से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय है नमक के पानी का पोछा लगाना। अगर आपके घर में बुरी शक्ति है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो कम से कम हफ्ते में यानी 7 दिन में 2 बार ऐसा ज़रूर करें, यानी कि नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, घर से बुरी ऊर्जा भाग जाएगी, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है, मंगलवार और रविवार को नमक के पानी से पोछा नहीं लगाना चाहिए। घर में आप जब भी पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें, नमक डालते समय आप पर किसी की नज़र नहीं होनी चाहिए, आपको कोई देखना नहीं चाहिए। अगर आप घर में पोछा लगा रहे हैं और नमक डालने की सोच रहे हैं और उस समय कोई आ जाए
तो उसके सामने आप कभी भी पानी में नमक ना मिलाएं, ये काम आपको चुपके से करना है। इसके अलावा यदि आपके घर साफ सफाई के लिए कोई हेल्पर है तो पोछा लगाने वाले के पानी में उसको बिना बताए नमक डाल दें और फिर आप उससे हेल्प ले सकते हैं, उससे पोछा लगवा सकते हैं। उसको पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो इस उपाय का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक डालकर पोछा लगाने के बाद बचे हुए पानी को भूलकर भी घर में न फेंकें। पोछा लगा हुआ पानी हमेशा घर के बाहर नाली में फेंकना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप उस पानी को घर में ही फेंकते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार लोग अपने घर के वास्तु दोष की वजह से परेशान रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप चाहें तो आप अपने घर के बाथरूम में एक शीशी में नमक भरकर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो दूर भाग जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, घर में रुपया पैसा आएगा और खूब टीके के रहेगा, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।